दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। फिर एक बार मैं यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूँ आज के मिड वीक मन्ना में। आज का जो हमारा विषय है आनंदित रहने के विषय। बाइबल हमें फिलिपियों की किताब उसका 4वां अध्याय उसके 4 वचन में हमें बाइबल बताती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस कहता है, फिर मैं कहता हूँ आनंदित रहो। बाइबल के कई सारे स्कॉलर्स और विद्वान लोगों का ये कहना है कि जब पौलुस ये स्क्रिप्चर को लिख रहा था कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, उस समय उसको जेल में उल्टा टांग के लटकाया गया था। मसीह के सुसमाचार के कारण उसको बहुत सारी यातनाएं दी जा रही थी, बहुत सारे पेन से और वो तकलीफ से होकर जा रहा था। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में जब कुछ अच्छा होता है, जब हमारे जीवन में कुछ हमारे मन के अनुसार होता है, जो हम चाहते वैसा जब होता है, तो हम में से हर एक व्यक्ति आनंदित रहता है। लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ बातें विपरीत होने लगती है, कुछ बातें ऐसी होने लगती है जो हमारे मन के अनुसार नहीं है, तब हम शिकायत करना चालू करते, तब हम दुखी हो जाते हैं। और यही हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा डाउनफॉल है। और शैतान चाहता है कि हम दुखी रहे, वो कभी नहीं चाहता है कि हम आनंदित रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पिता हर समय अपने बच्चों को खेलते हुए, हंसते हुए, गाते हुए देखना पसंद करता है। शारीरिक पिता जब अपने बच्चों को खुश देखना पसंद करता है, तो स्वर्गीय पिता क्यों हमें दुखी देखना चाहेगा। वो भी चाहता है कि उसके बच्चे आनंदित रहे। लेकिन अक्सर हमारे जीवन में जब तकलीफों का समय आता है, जब दुख का समय आता है, तो हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में तो बहुत सारे खुशियों का समय भी आता है, लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं। तो कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके जीवन में अच्छा भी समय जब चलता है, तो उस समय भी वो सोचने लगते हैं कि अगर आज हमारे जीवन में कुछ अच्छा समय है, तो जरूर कल कुछ बुरा होने वाला है। आज के समय में मनुष्य इतना नेगेटिव हो चुका है कि वो नेगेटिव बातों को सोच के, नकारात्मक बातों को सोच के अपनी जिंदगी में हर समय दुखी रहता है। मैं नीति वचन उसका 17वां अध्याय उसके 22वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, मन का आनंदित रहना एक अच्छी औषध है। बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति जब आनंदित रहता है, तो उसके जीवन में वो आनंदित रहना वो दवाई के रूप में काम करता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज इंसान अपने इलाज को करने के लिए कई सारे डॉक्टर्स के पास जाता है, कई सारे हॉस्पिटल जाता है, लाइन लगाता है, बहुत सारी चीज़ों को करने के बाद भी वो चंगाई नहीं प्राप्त कर पाता है। लेकिन बाइबल हमें एक आसान रास्ता बताती है कि मन का आनंदित रहना एक अच्छी औषध है। जब हम अपने मन में खुश रहते, आनंदित रहते, तो हमारे जीवन में वो आनंद और खुशी के द्वारा हम अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करते। हमारे जीवन में आनंदित रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आनंदित रहते हैं, तो हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। सो मैं फिर एक बार आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हर समय अपने जीवन को आनंद के साथ और खुशी के साथ जियो, जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल सके। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे। थैंक यू। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो, वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed.